Hi guys, welcome back to our channel Crazy Foodie Sister. Hope you guys are doing well. आज potato mutton शामी जो shallow fry करेंगे हम यूजी विथ कम इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं इसके अंदर और बहुत ज़्यादा अच्छे फ्लेवर्स होते हैं इसके. अभी तो बकरीद आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से वीडियोस चाहिए, कौन सी रेसिपी चाहिए मटन में. तो फर्स्ट मैं आपको ड्राई आइटम बता देती हूँ. ड्राई आइटम में हमें चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, चिकन मसाला, सॉल्ट, रेड चिली, हल्दी, पेपर, जीरा और धनिया पाउडर, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर हमने एग वाइट लिया है, ऑनियन एंड ग्रीन चिलीज को चॉप कर लिया है, हमने ब्रेड लिया है, देन दिस इज कोरिएंडर, मिंट लीफ एंड करेपाक, फिर हमने ग्रेटेड पोटैटो लिया है एंड मटन कीमा लिया है हमने. वह आपके पास ऐसा चॉपर हो तो आप चॉपर का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मिक्सी में भी यूज़ कर सकते हैं. हमने चॉपर के अंदर मटन कीमा ऐड किया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और सारे ड्राई मसालेज ऐड करेंगे जैसे ज़ीरा धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, सॉल्ट, चिकन मसाला. चिकन मसाला हमने इसलिए ऐड किया है, बहुत से लोग अजीनोमोटो का इस्तेमाल करते हैं पर हमने अजीनोमोटो का इस्तेमाल नहीं किया है इसलिए हमने चिकन मसाला ऐड किया है. फिर हम इसके अंदर ब्रेड ऐड करेंगे. ब्रेड अच्छे से बाइंड करेगा आपके टिक्कीज को, वो खुलेगा नहीं जब हम शैलो फ्राई करेंगे तभी. इट इज सिंपल टिप्स है ये सब कुछ, आप याद रख लीजिए. फिर कोरिएंडर ऐड करके इसमें एग ऐड कर देंगे, येलो पार्ट नहीं, एग वाइट ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर. उसमें थोड़ा येलो दिख रहा है पर एक्चुअली दैट इज नॉट येलो, हमने सिर्फ एग वाइट ऐड किया है. अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. फिर हम इसके अंदर ऑनियन एंड ग्रीन चिलीज ऐड किया है, चॉप किया हुआ है हमने. फिर ऐड करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. अब देखकर सॉल्ट एंड चिलीज ऐड कीजिए क्योंकि हमने रेड चिली पाउडर भी ऐड किया है एंड ग्रीन चिलीज का भी इस्तेमाल किया है. देखिए बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए. जब आप अगर आपका टिक्की थोड़ा जब फ्राई कर रहे हो या शैलो फ्राई कर रहे हो तो निकल जा रहा है तो तभी आप क्या कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स के साथ इसे मिक्स करके फिर फ्राई कर सकते हैं. कुछ ट्राई करने से ही पता चलेगा कि आपको ये डिश आती है या नहीं. आप डरिए मत, नहीं मैं ये नहीं पका सकती, नहीं आप पका सकती हो, सिर्फ ट्राई करना पड़ेगा आपको. और जो पोटैटो जो हमने ग्रेट कर लिया था उसे मिक्स कर लेंगे इसके अंदर. हमने ऑलरेडी पोटैटो को बॉयल करके उसे ग्रेट कर लिया था. फिर हम आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हमने तेल का इस्तेमाल करके इसकी टिक्की के शेप्स दिए हैं. आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी शेप दे सकते हैं. मैं और एक टिप दे देती हूँ, अगर ये बच जाए तो नेक्स्ट डे आप इसका बर्गर भी बना सकते हैं. देखिए कितना स्मार्ट इंटेलिजेंट मैंने आपको दूसरा टिप भी दे दिया. अगर ये एक्स्ट्रा हो जाए या फिर बच जाए तो आप इसका बर्गर भी बना सकते हैं या फिर ये रोल भी बना सकते हैं. आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं पर मैं शैलो फ्राई करूँगी बिकॉज आई एम ऑन द डाइट. नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, डाइट कुछ नहीं पर आई एम लाइक प्रिफरिंग शैलो फ्राई. पैन रख दीजिए और उस पर आप थोड़ा तेल ग्रीस कर लीजिए और दोनों तरफ से अच्छे लीजिए इसे. आप प्लीज़ हमारे वीडियोस को कंप्लीट देखिए और सबको बताइए कि देर इज़ अ चैनल कॉल्ड क्रेजी फूडी सिस्टर. आप इतना सारा प्यार दे रहे हैं और थोड़ा प्यार दे दीजिए हमें और हमारे चैनल को बहुत दूर तक लेकर जाइए. आप ही देख सकते हो कि हमने कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स में कितने अच्छे डिशेस बनाते हैं. कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे डिशेस कैसे लगते हैं. देखिए हमने कितना अच्छा गार्निशिंग भी कर दिया, सैलड का सैलड भी हो जाएगा और गार्निश का गार्निश भी हो जाएगा. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप डिश को कैसे प्रेजेंट करते हो. अगर आप ऐसे प्रेजेंट करोगे इट लुक अट्रैक्टिव एंड टेस्टी ऑल्सो. तो आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए. सिर्फ डिशेस नहीं और कुछ और एक्साइटिंग वीडियोस लेकर आएंगे हम आपके लिए. तो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल. थैंक यू सो मच.